नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSR क्या होता है और CSR एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन सी कंपनीज़ ने इंडिया में किया है और टोटल इंडिया में CSR एक्टिविटीज़ में कितना स्पेंड किया है कॉरपोरेट के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CSR। CSR मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कॉरपोरेट मतलब कंपनीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो उसको CSR कहते हैं। और CSR एक्टिविटीज़ मतलब कॉरपोरेट ने सोसाइटी के लिए जो जो भी काम किए हैं उनकी भलाई के लिए, चाहे वो वाटर को क्लीन करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, या फिर पढ़ाई एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, या फिर PM केयर फंड में उनने डोनेट किया हो, या फिर कोई बीमारी से लड़ने के लिए उनने कोई बड़ा कदम उठाया हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सोशल सोसाइटी के फायदे के लिए हो उसको हम CSR एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे CSR एक्टिविटी हर वो कंपनी को करनी पड़ती है जो कंपनी या तो फिर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ के से ज़्यादा हो, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर वो कोई भी इन तीनों चीज़ों में से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो उसको CSR एक्टिविटीज़ में एटलीस्ट अपना 2% नेट प्रॉफिट का स्पेंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 19,553 कंपनीज़ ने यहाँ पे CSR एक्टिविटीज़ में अपना पैसा स्पेंड किया था और वो टोटल अमाउंट थी 14,344 करोड़। और ये पैसा 39 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में इन्वेस्ट किया गया था, स्पेंड किया गया था। और यहाँ पे टोटल CSR प्रोजेक्ट 22,968 टोटल CSR प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे इतना अमाउंट खर्च किया गया था। यहाँ पे हम अब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का देख लें तो यहाँ पे टोटल CSR स्पेंड अमाउंट था 17,098। वहीं आप 2018-19 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये बढ़ के 20,172 करोड़ में पहुँच गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 24,891 करोड़ के आसपास, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये अमाउंट 24,865 करोड़ के आसपास था। और टोटल कंपनीज थी 17,007, 39 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अलग अलग जगह। 36,865 CSR प्रोजेक्ट थे 14 सेक्टर्स के अंदर। जैसे यहाँ पे हम देखें सबसे ज़्यादा स्पेंड हुआ है हमारा सेक्टर वाइज, जैसे आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और हम स्टेट वाइज यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो स्पेंड हुआ है वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, उसके बाद ऐसे फंड्स में जो पूरे देश के लिए काम करते हैं, उसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन सी कंपनी ने किया है यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया, उसके बाद TCS, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर HDFC बैंक लिमिटेड, ONGC ने, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, इंफोसिस, ITC एंड विप्रो। ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जिनने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया हुआ है CSR एक्टिविटीज में। और वहीं हम PSU और नॉन PSU कंपनीज देखें तो यहाँ पे PSU के द्वारा इन्वेस्ट 18% टोटल स्पेंड जो है वो PSU की ओर से आता है और 82% नॉन PSU कंपनीज की ओर से आता है। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में पता लग गया होगा कि CSR क्या होता है, CSR एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और सबसे ज़्यादा स्पेंड CSR में कौन सी कंपनी ने किया है और टोटल स्पेंड कितना हुआ है हमारे देश के अंदर CSR एक्टिविटीज़ के लिए। और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।